16 बरस, ये दो शब्द अपने आप में कई बार सुने होंगे। इन शब्दों के बारे में आपने शायद कुछ अच्छा ही सुना हो, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो अच्छा नहीं बल्कि अपराध से भरी एक खौफनाक कहानी है। 16 साल पहले हुए 4 कत्ल के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। आपको दिखाई दे रही तीनों शख्स सगे भाई हैं। तीनों पिछले 16 साल से फरार चल रहे थे, लेकिन अब एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स की गिरफ्त में है। आपको इनके गुनाहों के बारे में बताएंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक जाएगी। आपको बताएंगे पूरा मामला, लेकिन पहले आपको ये बयान सुनाते हैं जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है। एक 2006 का मर्डर केस था गांव सिमली का, जो हमारे पास एक्यूज्ड हैं, एक धर्मपाल है, बहादुर सिंह है, सतपाल है। इन्होंने 2006 में गांव में ही पारिवारिक रंजिश में 4 लोगों की हत्या कर दी थी, तो और ये लगभग 16 साल से फरार चल रहे थे। घटना के बाद से अब तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आए थे। आपने ये तो सुन लिया, इनको मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनका गुनाह क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल ये तीनों रोहतक के शिम्मी गांव के रहने वाले हैं। तीनों पर 16 साल पहले यानी 2006 में गांव के ही 4 लोगों की हत्या का आरोप है। सूचना इनके तो हमारी साइबर सेल ने मदद की है, कोई कॉन्टेक्ट मिल गया था और मुखबिर की मदद से हमारी टीम ने इसको एमपी से कोई जीर्ण है नीमच के पास, वहां से इनको लेकर आई। हत्या के बाद से ही तीनों फरार थे और अलग अलग राज्यों में रहकर गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन कानून के हाथों तले बच नहीं पाए। पुलिस ने तीनों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है, जहां ये डेयरी चला रहे थे। तीनों पर 25,000 का इनाम भी रखा गया था। तीनों भाई सीआरपीएफ के जवान रह चुके हैं, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। वही अब देखना ये होगा कि कोर्ट तीनों को क्या सजा सुनाती है। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट।